जनपद में अक्षय तृतीया के दिन सभी ज्वेलरी की दुकानों पर आभूषणों की खरीदारी करने वालों की भीड़ लगी रही। महिलाएं व पुरुष भारी संख्या में आभूषण की दुकानों में खरीदारी करते नजर आए। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया हिंदू त्योहारों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह दिन सभी के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लेकर आता है। इस दिन विधि विधान से देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और भगवान गणेश की पूजा की जाती है और इस दिन दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। अक्षय एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है हमेशा के लिए और तृतीया का अर्थ है तीसरा। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के मौके पर अगर कोई आभूषण खरीदा जाए तो हमेशा के लिए आपके साथ रहता है। इस दिन खरीदे गए आभूषण अक्षय रहते हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा से धन स्थिर रहता है, कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। यह दिन आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाता है। यही कारण है कि इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्मादेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आभूषण खरीदने आए महिलाएं परंपरा ज्वेलर्स के डायरेक्टर संजय कुमार एवं हरिप्रसाद गोपी कृष्ण ज्वेलर्स के डायरेक्टर अरुण सर्राफ और एस्परा ज्वेलर्स के डायरेक्टर अतुल सर्राफ ने कहा। Thank you.
क्लियर करे जो भी कर रहा ये कर लेना सारे मिला 39 ग्राम टोटल मिला के सर वहाँ के बीच में किनारे वाले ड्रॉन में बॉक्स है जिसको बोला उसी के बीच में हाँ सीखा आजकल त्रिपाठी आजकल दिन बहुत ही अच्छा है इसलिए हमने खरीदारी करने आए हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है मैं ज्योति जलान श्याम भैया बाबू खरीदारी करने के लिए आए क्या करें खरीदारी करने आए और क्या कुछ मान्यता भी होती है मान्यता जरूरत थी तो लेने आए हैं खरीदना चाहिए यही मानता है मेरा नाम संजय कुमार अग्रवाल है मैं परंपरा जैन फंड में डायरेक्टर हूँ पूर्व के सभी लोगों को और पूर्वांचल के और भारत के सभी लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ में ही मैं ईद की भी बहुत बधाई देना चाहता हूं जैसा कि आप सबको पता है अक्षय तृतीया का त्यौहार में सोना चांदी और मेटल खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है तो उसी प्रकार से जो हमारे कस्टमर हैं हम लोग की एक्सपेक्टेशन भी आज बहुत अच्छी है कि ईद भी है और अक्षय तृतीया भी और सारे सरकारी ऑफिसेज वगैरह सारे बंद चल रहे हैं तो इस वजह से हमारी सेल भी आज अच्छी होने की उम्मीद है और जो हमें दिखाई भी दे रही है कंट्री में सुबह से ही कस्टमर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और लगातार परचेजिंग हमारे यहाँ कर रहे हैं और हम लोगों ने भी कलेक्शन बड़े चुन चुन के मंगाए हुए हैं हम लोगों ने राजकोट है सूरत है दिल्ली है बॉम्बे है कोयम्बटूर है कलकत्ता है जयपुर है सभी जगह की ज्वेलरियों का कलेक्शन हमारे यहाँ मौजूद है और सारे बहुत लेटेस्ट डिजाइन जो शायद गोरखपुर में कभी नहीं मिलते होंगे उस तरह का कलेक्शन हमने अपने यहाँ इकट्ठा किया है पिछले साल की तुलना में इस पर हम लोग को लगता है 30-40% सेल हमारी काफ़ी ज़्यादा जाएगी ऐसा हम लोग की एक्सपेक्टेशन है मैं अनूप सराफ हरिप्रसाद गोपीकिशन सराफ एशप्रा जेम्स एंड ज्वेल्स जी अक्षय तृतीया की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाज़ार में इतनी रौनक है अक्षय तृतीया को देख करके तो ये हमारी मान्यता है कि आज के दिन खरीदा हुआ सोना जेवर आभूषण साक्षात लक्ष्मी के रूप में आपके घर में जाता है जिसमें कभी भी घटौती नहीं होती हमेशा बढ़ोतरी होती है इसका नाम ही अक्षय है और आज के दिन खरीदने का विशेष महत्व है ग्राहकों में भी बहुत रुझान है और सोने के दाम भी आज विशेष करके कल से 500-600 रुपये घटे हैं इस चीज़ का भी प्रभाव है तो आप देख सकते हैं कि शोरूम पे काफ़ी रौनक है और ग्राहकों को के मन में एक उत्साह है खरीदने का अतुल सराफ एशप्राइस जैसा कि इस शब्द से स्पष्ट है अक्षय तृतीया आज के दिन जो भी खरीदारी की जाती है वो
हमेशा के लिए रहती है साथ में, अक्षय हो जाती है। तो इस खरीदारी का बहुत महत्व है आज के दिन का, और इस साल तो विशेष महत्व इसलिए होगा कि विगत 2 सालों से कोविड के कारण अक्षय तृतीया लोग मना नहीं पा रहे थे। अब की बार लोगों को मौका मिला है, लोगों में काफ़ी उत्साह है, और सोने के दाम में भी जो लगातार तेजी आती रही है उसमें लोगों को निवेश पर एक अच्छा खासा फायदा मिला है। इसके भी कारण लोगों को काफ़ी रुझान है आभूषणों को खरीदने में। हॉलमार्क ज्वेलरी है 100% बायबैक वाली, तो वापसी में नुकसान भी नहीं जाता है, ट्रांसपेरेंट है, पक्के बिल के साथ मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें ग्राहकों को काफ़ी प्रभावित करती हैं और इसका असर दिख रहा है। अब ये तो भीड़ भाड़ बहुत है, ग्राहकों को गिन पाना तो संभव नहीं है, लेकिन ईश्वर कृपा है, ग्राहकों पे भी कृपा है कि ग्राहक आ रहे हैं। धन्यवाद।